मैं शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीमा के दस्तखान के साथ मैं हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों में खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त, तो उसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें। गोश्त लिया है मैंने, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हड्डी, एक आध हड्डी भी ली है, और आप मटन में, बीफ में, किसी में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले, इसके लिए मैंने दही लिए है, पौन कप के जितनी दही लिए। अगर आपकी दही खट्टी है तो पौन कप लीजिएगा, खट्टी नहीं है तो आप एक कप के जितने ले सकते हैं, ठीक है। प्याज ली है मैंने, तीन चार प्याज ली थी, तीन प्याज ली थी इस तरह मीडियम साइज़ की, इस तरह से मैंने काट ली, एक कप की जितनी मैंने प्याज ली है। इसके अंदर मैंने दालचीनी ली है टुकड़ा, एक डेढ़ टुकड़ा लिया, छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो मैंने उसे तोड़ लिया। और छः सात काली मिर्चें हैं, चार लौंग है, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर, टू टेबल स्पून के जितना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और पुदीना लिया है मैंने थ्री टेबल स्पून के जितना, आधा कप से कम है ये, थ्री टेबल स्पून के जितना मैंने पुदीना लिया है, इसके अंदर डलेगा आखिर में। और इसमें नमक लिया है एक चाय का चम्मच, मिर्चे डेढ़ से एक चाय का चम्मच आप ले सकते हैं हसबे ज़ायका। और इसके अंदर डेढ़ टेबल स्पून की जितनी मैंने इसके अंदर ये लिया है पिसा हुआ धनिया लिया है, हल्दी ली है आधा चाय का चम्मच, और भिंडियाँ ली है मैंने इसके अंदर एक पाव के जितनी भिंडियाँ ली हैं, ठीक है। और मैं इसको काटना भी आपको बता देती हूँ, इसको मैं धो के मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसको इस तरीके से हम काटेंगे, इस तरीके से हम इसका छिलका उतार देंगे ऊपर से, नीचे से इस तरह से कर लेंगे। एक और मैं दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से हमने इसे काटनी है गोलाई में, नीचे से हमने इसे इस तरह से काट लेना है। इसी तरह मैं उसकी, पहले हम गोश्त चढ़ा देते फिर हम भिंडियाँ बाद में काटते रहेंगे, इसी तरह सारी काट लेंगे। चलिए, अच्छा मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने जो प्याज काटी थी एक कप के जी, तो उसी में से मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, ताकि हम इसको फ्राई कर लें, हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन। उसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया, और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी मैं साथ ही डाल ली हूँ। अब मैंने इसमें हल्का सा इसको फ्राई करेंगे एक मिनट के लिए, और बस इसके अंदर हम गोल्ड डाल देंगे, इसको भी फ्राई करेंगे, हम हल्का फ्राई करेंगे पहले तो कलर चेंज हो गया गोश्त का, तो ये सब कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, प्याज काटी थी मैंने छोटी थी, मीडियम साइज की प्याज ले ली थी, मैंने डाल दिया, अभी भी डाला, मसाला भी डाल देंगे इसके अंदर, तो भी एक दो मिनट फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, इसको एक दो मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। दो तीन भून गया है, उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी, गोश्त दो तीन गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे, ताकि गोश्त गल जाए, फिर इसको ढक के गोश्त गलने तक छोड़ देंगे। उसमें तीन गिलास इसमें पानी डाल दिया, हम इसको ढक के मिक्स करके उसको कैप लगा के हम इसको गोश्त गलने तक छोड़ देंगे। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम आपको बताते हैं, जब तक हम भिंडिया वगैरह बना लेते हैं। अच्छा देखिए, एकदम गोश्त गला ही नहीं, गला प्याज भी पूरी घुल गई है, और ये तकरीबन गोश्त भी तकरीबन गल गया है। अब मैंने इसके अंदर भिंडियाँ डाल देनी है, इसमें थोड़ा पानी है अभी, भिंडियों को हम 5-6 मिनट पकाएंगे, थोड़े से इसमें कसर रहने देंगे, ताकि फिर हम इसमें दही डालेंगे वो उसमें हो जाएगी। तो अब हम 5-6 मिनट ढक के रख देंगे, तो भिंडियाँ थोड़ी सी गल जाएंगी, फिर हम इसमें दही डालेंगे। हम भिंडियाँ भी तकरीबन गल गई हैं, अब मैंने इसके अंदर दही डाल देनी है, दही को हम मिक्स कर लेंगे, और इसको बस उसका पानी खुशक हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और पुदीना डालूंगी, आखिर में गरम मसाला डालूंगी, बस ये रेडी है, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे। देखिए ये भी भून गया है मैं दही के साथ, अब मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है, 1 से 1.5 कप पानी आप डाल दें इसके अंदर, 1.5 कप के जितना डाला है आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा चाहें ज़्यादा डाल दें, कम डालें उतना बहुत रहता है। इसी के साथ के अंदर मैंने पुदीना डाल दूंगी काट के, अंदर हमने पुदीना डाल देना है, जैसे इसमें जोश आने लगेगा हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, इसमें आधा चाय का चम्मच, आप पानी 1 कप भी डाल सकते हैं, 1.5 कप भी, जितना आपके घर में खाया जाता है ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मिर्च भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा जोश आ गया है, अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल देना है आधा चाय का चम्मच,
और बस इसको मिक्स करेंगे और मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। बिल्कुल ये रेडी है। बस आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। अच्छा, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और ये थोड़ी देर रखेंगे तो इसको ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और इसको लीमू के साथ, चपाती के साथ इसको सर्व करें। बनाइएगा जरूर, ट्राई जरूर करिएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। जिंदगी रही तो कल नई डिश के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।